का यही है, फर्स्ट एक्टी का एम यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करने का जी। उसी के लिए ये जागरूक नागरिक है, बहुत सारी ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एक्ट में, उनको स्पेशल स्टेटस इसीलिए दिया गया है कि आप अगर अपने राइट के बारे में अवेयर नहीं है तो ये संस्थाओं का काम है कि इनके बारे में लोगों Awareness. को अपनी इंफॉर्मेशन दें, एडवर्टाइजमेंट करें, और जब जहाँ जहाँ उनकी लैंग्वेज में उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको अपने राइट्स के बारे में बताएं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जी, तो आप ये कोर्ट में आ सकती है जहाँ पे न कोर्ट फीस है जी, और आपको स्पीडी रिड्रेसल मिल सकता है। लोगों को सबसे पहले जागरूक करा जाए कि उनके अधिकार क्या है कायदे के हिसाब से, और उन लोगों में आप जागृत के माध्यम से एक हिम्मत भी आनी चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसे माध्यम है जिससे आप न्याय ले सकते हो। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सी कमियां हैं और आपको तकलीफ होगी, लेकिन भगवान के लिए आदमी वही कामयाब होगा जो लड़ने के लिए तैयार है। मैंने खुद अपना महसूस करा है कि जो कुछ मिला मुझे लड़ने के बाद मिला, घर में बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको जाओ तो मैंने देखा कि कड़क बाजार में एक ही दिन हमने कम कम को 30-40 लोगों को पकड़ा, जब जिसके भी हमने देखे उनके वेट सब कोई ना कोई 100 ग्राम 200 ग्राम कम थे जी। अगर आप सब्जी ले रहे हैं किलो तो आप जब घर जाके तोलोगे तो शायद 800-850 ग्राम होगी। आपको कभी ख्याल भी नहीं आता कि आपके साथ इतने पैमाने के ऊपर छेत्रपिंडी हो रही है, समझे नहीं। हर चीज में मिलावट, हर चीज में वेट में कमी, समझे नहीं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऊपर मार्क करिए, उसके ऊपर भी पैसा लोग ले रहे हैं जी, जो कि गुनाह, और हमने उसके ऊपर भी लोगों को जेल में डाला। कभी 20 रुपए लिखा हुआ तुमने 22 रुपए कैसे लिए। तो इसलिए मैं महसूस करता हूं सबसे बड़ी तो जिम्मेवारी आपकी है कि आपको लोगों के घर घर में जाना है, उनकी जो तकलीफ जो उनकी तकलीफों को पब्लिक के सामने लाना है, बेशक वो कॉर्पोरेशन के साथ लगती हो या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जी। जो जीबी के साथ हो या किसी और डिपार्टमेंट के साथ हो, उनका जो अधिकार है उसके अगर आप लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपका साथ दे सके, जो लोग आपके लिए लड़ सके, जो आपको अपना हक दिलवा सके। और अगर आपके घर में आपने कोई चीज़ खरीदी है जिससे आपको संतोष नहीं है और आप बार बार जाते दुकान वाले और वो पूछता नहीं है, तो अगर फिर आपके पास कोई रास्ता है वो है कि आप जागरूक नागरूक जैसी संस्थाओं के पास आइए, उनको बोलिए कि आपके हित के लिए काम करें, समझे। और मैं महसूस करता हूँ कि इससे एक बहुत सी एक मैं समझता हूँ लोगों में हिम्मत से भी आएगी, लोग समझेंगे कि अब क्या उनके अधिकार हैं, और साथ ही साथ उनका साथ देने वाले कुछ लोग हैं। और मैं खुद जागरूक नागरिक को ये आज अपनी तरफ से विश्वास देना चाहूँगा कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये लोगों का काम है। और कोई भी, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति से लेकर गरीब आदमी एक कंज्यूमर है जी। और कंज्यूमर के हित के लिए काम करना ये बहुत बड़ा काम है। ये जो मूवमेंट है अभी नई है इस देश में, बाहर के देशों में तो बहुत है, और वहाँ पर अगर छोटी सी भी कोई गलती कहीं पकड़ी जाए तो लाखों डॉलर्स का कंपनसेशन मिलता है, समझे नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर भी आपने जैसे अभी कुछ सुना है कि यहाँ जो लोग डूब गए थे, मर गए थे और उनको का केस आपने लड़ा दिल्ली में जाकर और आपको कुछ कंपनसेशन मिला है, सफलता मिली है। तो ये सफलता आपको मिलती रहे, ये भी मेरा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि लोग आपका पूरा इस चैनल का फायदा उठाएंगे। ১৯৮৬ के उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार कई ग्राहक अदालतें बनाई गई हैं। वहां पे न्याय पाने का रास्ता जागरूक नागरिक ग्राहक संगठन एकदम आसान बना देता है। आप अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आ सकते हैं।